राम राम भाइयों, मैं जो मेरे भाई फांसी खा रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। भाइयों, फांसी ना खाओ, जिंदगी थारी है, किसी के बाप की नहीं है। ठीक है भाइयों, बहुत जोर पड़े हम यहाँ हैं और आप वहाँ बेफजूल में मरो लग रहे, कुछ कर नहीं रहे या फिर भी मरो लग रहे। यदि हम दुश्मन की गोली तब मरे तो ठीक है, हम भी बहुत मेहनत कर लो आए, हमने भी बहुत तैयारी की है जी भी आए हैं, पर भाई मरो ना, नू फांसी ना खाओ। देख ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत बेकार खेल खेला हमारे साथ। यदि बालक पढ़ता है कुछ करता है, 3 साल की वो NCC करेगा, 4 साल की नौकरी है, जिसका छोटे बहन भाई है वो उनका ब्याह करेगा, क्या करेगा उस पीछे में क्या करेगा, कुछ पैसे नहीं। मतलब 18 साल का भर्ती हुआ और 4 साल नौकरी करी, 22 साल का वो घरों चला गया। उसके बाद अपने जो शायद जमा पूंजी मिलेगी 5-7-10 लाख रुपए, उन तक अपने बहनों का ब्याह करेगा, बाद में क्या बनेगा, वो मिलिटेंट बनेगा बाद में तो है? गवर्नमेंट की पकड़ लगी क्या, पुलिस पकड़ लगी उस बंदे को, मुझे ये बताओ पकड़ लेगी क्या? जो बंदा फाइटर है इन्हें चलाने क्या उसे पुलिस पकड़ लेगी? नहीं पकड़ सकती, मतलब ही नहीं है किसी का। भाई गवर्नमेंट ने बहुत गलत करा, ठीक है। गवर्नमेंट ने, मेरी एक दरख्वास्त है, जो जान चली गई साहब उन्हें तो हम वापिस नहीं कर सकते, पर प्लीज इसे रद्द किया जाए और सेना में जो पहला कानून था अंग्रेजों का बनाया हुआ उसी पे चला जाए। अंग्रेज पागल नहीं थे, उन्होंने हमारे पे राज करा, उनमें दिमाग था। आज भी ऐसे ऐसे पुल है, हावड़ा ब्रिज है, ऐसे ऐसे ब्रिज है जो मतलब आज तक भी नुक्के नहीं है, और यह गवर्नमेंट है इसके बनाई हुई पुल गिरे लग रहे, इन्हें सब बड़ंगा बेच दिया। मोदी सरकार की साथ थे हम, पर इब नहीं है ना रहने के। किसान और जवान दोनों रोड पर ला कर धर दिए। जय हिंद भाइयों।